नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हजारों की संख्या में बड़वानी जिला मुख्यालय पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में आज बड़वानी कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका संघ जिला बड़वानी के बैनर तले मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी को सौंपा ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं केंद्र एवं राज्य द्वारा दी गई सभी प्रकार के विभागीय कार्य को पूर्ण निष्ठा से करती है और अन्य विभागों के कार्य भी उनके माध्यम से कराई जा रही है। कोई भी योजना या कार्यक्रम नहीं है जिसमें इनकी सहभागिता ना हो। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हेतु हर विभाग और एजेंसी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का उपयोग करते हैं और साथ ही उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी किया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अन्य विभागों के द्वारा विभागीय आदेश भी जारी करा दिए जाते हैं। एक और सरकार हमें स्कीम वर्कर बताकर हमारी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही है। दूसरी ओर हमारे ऊपर कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा सारे शासकीय नियम लागू किए जाते हैं। हमारे बच्चों को कई शासन की योजनाओं के लाभ नहीं दिए जाते क्योंकि हम करने को नौकरी कर रहे हैं। हमारे काम का समय निर्धारित होने के बाद भी किसी भी समय हमसे कोई भी जानकारी मांगी जाती है और कहीं भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। हमारी बहनों के दूसरे विभाग के कार्यों में जरा सी चूक होने पर सेवा से पृथक कर दिया जाता है। जबकि आज जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के आंकड़े हैं उसमें जो कमी आई है वह हमारी बहनों का प्रयास है। कुपोषण पर हमारी बहन निरंतर प्रयास कर रही है। सभी योजनाओं से जो हितग्राही लाभान्वित हो रही हैं वह इनकी ही मेहनत है, पर इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। बड़वानी से रघुनाथ से इनकी रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम ग्यारसी यादव है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी। अभी संपर्क ऐप को बंद करवाने के लिए आए हैं। संपर्क ऐप में काम बंद किया जाए, केंद्र सरकार के आदेश अनुसार मिनी कार्यकर्ताओं को नवीन कार्यकर्ता बनाया जाए। कार्यकर्ताओं को खाली पद पर अनुभव एवं योग्यता के आधार पर आयु सीमा में बंधन हटाया जाए। नई शिक्षा नीति अनुसार प्राथमिक स्कूल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता की सेवा पूर्ण होने पर जो लाभ दिया जाता है वह अचानक मृत्यु होने पर या बीमार से मृत्यु होने पर उक्त राशि का लाभ दिया जाए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।